दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा के लिए अप्लाई करना था। ये मेरी फाइल है। हड़ी मानो, अगर तुम मेरे क्लाइंट बनकर यहां पर ना आए होते ना, तो न जाने मैं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करता। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है अर्चना जैसी एक अच्छी लड़की के साथ ऐसा सलूक करते हुए? मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है। और ऊपर से तुम सबके सामने अपनी प्यार की दुहाइयां देते फिरते हो। लेट इट बी, ये सब बातें करके मुझे कुछ हासिल होने वाला है नहीं, तो मैं अपना वक्त क्यों जाया कर रहा हूं? हमारी मंथली इनकम कितनी है? सिर्फ 16,000 के करीब। और घर में लोग? मुझे मिला के 6। कमाने वाले कितने? मैं अकेला कमाता। मानो, मुझे लगता है कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? देखो वो क्या है, घर में लोग 6, कमाई 16,000 रुपये। तुम कर्ज लोगे तो चुकाओगे कैसे? तुम्हारी जो लोन की डिमांड है उस हिसाब से तुम्हारी मंथली इंस्टॉलमेंट कम से कम 22,000 के आसपास आएगी। तुम अपना घर चलाओगे या फिर इंस्टॉलमेंट भरोगे? लोन देते वक्त हम रीपेमेंट की श्योरिटी चेक करते हैं, और तुम्हारे हिसाब से आई एम नॉट श्योर। वैसे तुम काम करते हो जी, आपको पता है आए थे एक बार मेरे गैरेज में, मैकेनिक हूँ। ओके, नाउ यू कैन गो। एक बार कुछ, आई एम सॉरी। Please check the credibility of the client before sending him for the loan. Okay? Thanks. I really like you, Varsha. Rather, I should say that I love you. घर छोड़ने का मेरा फैसला सही है गलत, ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन इसकी शुरुआत यकीनन बहुत खूबसूरत है। अब तक मैंने ठीक से आंखें खोली भी नहीं, एक सपना पूरा होने को है। ये भी कपड़े धुलने। आई, फोन देखना किसका है। हेलो,
हेलो, और कौन बोलता है? क्या हुआ? देख ना, किसी ने फोन किया और बात ही नहीं की। अब बात ही नहीं करनी है तो फोन क्यों किया? अरे इस पे तो नंबर भी नहीं दिख रहा है, कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं हुई? अरे नहीं आई, इसका डिस्प्ले खराब हो गया है, वो कल पुन्नी के हाथ से गिर गया था ना नीचे, इसलिए। हे भगवान, तुम और तुम्हारा फोन। वाह वर्षा, दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो ये है तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट, और ये देने के लिए सर ने तुझे अकेले बुलाया ना। अच्छा अच्छा, पता है कि ये रिंग तेरी है, हम चाहे भी तो इस पर हक नहीं जता सकते। आपके पास ये प्यार मोहब्बत का मामला है। रश्मि, वर्षु बताना बताना, वर्षु सर ने कैसे प्रपोज किया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो हम दोनों पागल लगते हैं क्या? कोई लड़का किसी भी लड़की को ऐसी ही रिंग नहीं देगा। Now stop acting and tell us. और अगर तू नहीं बताएगी ना तो कल पूरे ऑफिस में ये बात फैल जाएगी कि सर ने। ऐसे मत करो, वैसे भी ये पर्सनल मैटर है, और ये सब देखा ना, दिल की बात फाइनली जुबा पे आ ही गई। We are very angry with you, सहेली बोलती है और हमें नहीं बताया। But congrats, Varshu. I'm very happy for you. Punno! आओ। जरा बात में लगा। ओ, तेज लाओ तो। बाबा। क्या हुआ बेटा? ये बाल देखो ना, बार बार चेहरे पर आ रहा है। अरे बेटा, आपने देखो हेयर बैंड भी नहीं लगाए ना, इसलिए आपके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे हैं। अरे मंजू, पुन्नी का हेयर बैंड देना। विनो, दो ही हाथ है मेरे, इनसे मैं इतना ही काम कर सकती हूँ, ज्यादा काम एक्सपेक्ट मत करो मुझसे। अलमारी में रखा हुआ उसका हेयरबैंड मेरे पर्स में है। अच्छा पुन्नी बेटा, आप जाके आई के पर्स में से अपना हेयरबैंड लेके आओ, मैं उसे लगा देता हूँ, ठीक है बेटा? जाओ। मंजू, ये मंगलसूत्र किसका है? दादा, ये मंगलसूत्र मेरा है, मैं इसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती। नहीं अब अच्छा, ये मंगलसूत्र अर्जुन तुम्हारा नहीं है? विनोद, ये अर्जुन का मंगलसूत्र नहीं है, ये तो मेरा मंगलसूत्र है। बस इसका डिजाइन अर्जुन के मंगलसूत्र से मिलता जुलता है। लेकिन मंजू, ये मंगलसूत्र कब बनवाया तुमने? वो
हाँ, अभी कुछ 7-8 दिन ही हुए हैं इसे बनवाए हुए। वो एक्चुअली अर्चु के मंगलसूत्र का डिजाइन मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने सोचा कि वो विठल ज्वेलर से ना, उसी के यहाँ से मैंने ये बनवाया। कितने में बनाई? मंजू, तेरी तो कुंडली में ही झोल है, आग से बचती है तो तूफान में आ फंसती है। विनोद, यही कुछ 20,000 के करीब। मंजू, उस दिन मैंने जब तुमसे लैपटॉप खरीदने की बात की तो तुमने मुझे खर्चे को लेकर 10 बातें सुनाई, और अब ये फुजूल का खर्चा तुमने किया ये? अरे विनोद, ये मैंने नहीं बनवाया है, ये तो मेरी आई ने मुझे बनवा कर दिया है। वो एक्चुअली आई को पता था कि मुझे अर्चु के मंगलसूत्र का डिजाइन बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेरे लिए बनवाया और दीपावली के उपहार के तौर पर मुझे दे दिया। और विनोद, मंगलसूत्र तो सौभाग्य की निशानी होता है ना, इसीलिए मैंने आई से ये ले लिया। उन्नी, बहुत बदमाश हो गई है, जब देखो कहीं भी हाथ डालकर कुछ भी निकालती है। चलो अंदर। जैसे वो मेरा मंगलसूत्र था। ये तेरा मंगलसूत्र अब कभी तेरे पास नहीं आएगा अर्जुन। तेरे ससुराल वाले तेरा मंगलसूत्र और तेरी खुशियां दोनों एक साथ ले गए। अरे बॉस की लड़की, ओ, अरे बॉस की लड़की सोना देगी हीरे मोती। अरे बॉस की लड़की, क्या बात है, आज बहुत गाने वाने गा रही है, बहुत खुश लग रही है तू। तेरी शादी के सपने देख रही थी, बोलना हकीकत में कब ला रहा है, बोलना। अरे क्या रे आई, तू जब देखो शादी 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 करती रहती है। अरे देखो शादी के अलावा कुछ सोचता नहीं क्या? नहीं, हा? नहीं। लेकिन चल, आज तेरे को मैं खुशखबरी दे ही देता हूँ, तू भी कहीं याद करेगी अपने बेटे सचिन को। आई बोल भाई, भाई श्रावणी पड़ गई। मैं अभी गिरीश जी के पास जाती हूँ और बोलती हूँ साकर पुड़े की तारीख पक्की कर, हाथ धो के आ। अरे आई, नहीं रंगबाजी मत करने, तो तू बैंड बजवाएगी। अरे आई, ये प्यार का मामला है, यहाँ पे सब कुछ धीरे 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 होता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तू मुझे अभी बता, तू कौन से स्टेप पे खड़ा है? अरे आई, उससे मिलकर आ रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहा है? एक बात बताओ, सचमुच में बहुत सही लड़की आई, सुपर बोले तो बिल्कुल शादी मटेरियल आई। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन क्या बोली वो, बोल ना मेरे बेटे। अरे तू आटा लगा दी। अरे आई, वो बहुत दूर के बारे में सोच रही है। दूर का? हाँ। क्या? वो मुझे स्कॉलरशिप करवा के अमेरिका भेजना चाहती है। अमेरिका? अमेरिका आई, मतलब वो मशाल वाली लड़की, वही है ना अमेरिका? अरे आई, तू बिलीव भी करेगी, वो मेरे स्कॉलरशिप के फॉर्म को सबमिट करने की भी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा लिए। अरे आई, आज तक मैं जितना अपने करियर और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा ना, वो एक ही मुलाकात में सब कुछ सोच डाली। मेरे को लगता है वो मेरे को एक दिन अमेरिका भिजवा के रहेगी। एक कितना गोरा है देखना, क्या
कितना मस्त है ना गोरा, ऐसा लगता है अभी अभी आटे की चक्की से बाहर निकला। रुक ना रुक, ए पटे हुए तपेली की तरह क्या देखता है। ए उसको कैमरा देना, टाइट पकड़। आई, अरे किधर खो गई है? आई, हाँ? खाना दे, भूख लगी है, खाना। बर्फ का? बर्फ? ये क्या क्या बोल रही है तू? तेरी क्या दुश्मनी है रे मेरे साथ? अच्छी खासी मैं ठंडी हवा में घूम रही थी, फिर से तूने आके मुझे गर्मी में खड़ा किया, नालायक। सुलोचना, मैं बैंक जा रहा हूँ। बैंक? हाँ, अरे आज महीने की 10 तारीख है, अब तक तो बैंक में पेंशन जमा हो गई होगी, दिवाली के खर्चे भी तो सर पर है, सोचता हूँ जाकर लेकर आऊँ। अरे हाँ, बाजार से अगर कुछ लाना हो तो मुझे बोल देना, आते आते लेते आऊंगा। आप अर्चू से ही पूछ लीजिए ना, आजकल वो मुझे किचन में घुसने कहाँ देती है। अर्चू बाबा बाजार चले दो। बाबा, हाँ बेटा, आधा किलो आलू, आधा किलो टमाटर और 10-12 रुपए का राम मसाला मिल जाएगा तो वो लेके आइए। बस लेते आऊंगा। अच्छा सुलोचना, मैं निकल रहा हूँ। हाँ हाँ। अरे अशोक लक्ष्मीकांत, मैं बैंक में ही जा रहा था। आओ आओ अंदर आओ, चाय पी के चलते हैं। आओ आओ। हाँ आओ लक्ष्मीकांत। सुलोचना। नमस्कार भाऊजी, बसा ना। अर्चू बेटा चाय लाओ सबके लिए। तुम लोग बैंक होकर आ रहे हो कि? मनोहर मत जा बैंक, कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब? अरे बोल ना क्या हुआ। इस महीने से हमारी पेंशन रुक गई है मनोहर। पेंशन बंद हो गई है? अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पेंशन की रकम को लेकर यूनियन ने कुछ स्ट्राइक वगैरह की है, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, ना सरकार पीछे हटने को तैयार है और ना यूनियन लीडर। बात कोर्ट तक पहुंच गई है। क्या? और कोर्ट ने फैसले तक सबकी पेंशन रोकने का आदेश दिया है। अब कोर्ट के काम तो तू जानता ही है, उम्र निकल जाती है लेकिन फैसला नहीं होता। लेकिन ये तो गलत है ना, सारी जिंदगी हमने ईमानदारी से काम करते करते गुजार दी, तो सरकार ऐसे कैसे कर सकती है? सही गलत की परवाह है किसे, हर कोई अपनी रोटी सेंक रहा है, फिर हम जैसा आम एम्प्लॉय मरता है तो मरे। मेरा तो पूरा घर ही पेंशन से चलता है, अब पेंशन नहीं तो खर्चा पानी कहां से चलेगा? चाह नुको भी नहीं, फिर कभी, आज आज मन नहीं है। चल भाई मनोहर, राह देखने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी तो नहीं। चलो भाई, ये तो काजी न का करो, आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे सैकड़ों लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार को कुछ न कुछ फैसला करना ही होगा। अब क्या होगा सुलोचना? अकेले विनोद की
सैलरी से घर के खर्चे तो पूरे नहीं होंगे। मंजू से पैसा लेना हमें मंजूर नहीं है, फिर कैसे मैनेज होंगे घर के खर्चे? हाँ, मैं मानता हूं कि मैं कोई बड़ी रकम नहीं लेकर आता था घर में, लेकिन वो मेरा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब पेंशन बंद हो गई है तो वो भी नहीं आएंगे।